स्वागत है जी आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं दिखाऊंगा आपको कुबोटा का MU5502 जापान टेक्नोलॉजी। और जी ये मशीन है थ्रेसर, नई मशीन है थ्रेसर है, जो सोलह नो टायर के टायरों के साथ आता है। वह ट्रैक्टर दब बहुत रहा है, नई मशीन है। आरपीएम ट्रोपिस दिखाता हूँ मैं आपको, वैसे तो पूरी खूब जा रही ट्रैक्टर दब बहुत रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। आरपीएम ट्रोपिस दिखाता हूँ एक बार, ज़्यादा तो ना है। ये थ्रेसर मशीन नहीं, थ्रेसर नाम चेक कराता हूँ। कौन सा बीज है ये? बिल्कुल साफ नाक लगा रही है मशीन थ्रेसर है। बढ़िया गेहूँ है, भूसा भी सही है। 45 का बेकार है, 45 का 45 तो बेकार है। छोटा ट्रैक्टर गांड फट जाएगी इस पर लगा दिया तो। ये दब तो ये ना हल्का सा दब तो ये भी रहा। ऐप पर बढ़ाओ थोड़े से, देख लियो गेहूँ को भी फेंक दे बाहर। गेहूँ मत फेंकवा, इसमें खासियत और है। हाँ इसमें ये 547 के चक्कर पे चल रहा है। हाँ अगर मैं 750 तो कर दूँ ना। हाँ तो इसको गांड में कुछ करा देने की भी आवाज़ करा दे, मशीन में करेगी ना। तो अब दब कैसे रहा, हल्का सा तो दब रहा ट्रैक्टर। ये सुबह के टाइम है ना, वो अच्छा। जमीन में हल्का नहीं भी है। खैर बात नहीं, सबके आंधी की तकलीफ है। हाटो बच्चों मशीन कहाँ की है जी आपकी? मुरलीपुर में है। मुरलीपुर से मशीन बढ़िया चल रही है वैसे? मशीन बढ़िया निकाल रही ना। हाँ फीडबैक ले रहे हो, ये है जी MU5502। कोई ड्रॉपेज ना, ड्रॉपेज क्या है वो गीला लाख है, इस वजह से थोड़ा सा ड्रॉपेज कर रहा है। और इसका तो ड्रॉपेज का भी पता ना चलता है, क्योंकि साइलेंट इंजन है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता दब रहा है क्या कर रहा है। सोलह के टायर हैं इसमें, तो बढ़िया टायर है। आगे भी बैठे हैं और राजपूत, ये राजपूत भाई है जिनका ट्रैक्टर है, इन्होंने इधर भी फुटवेयर लगवा रखा है जुगाड़ करके। यही था जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे क्या, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लुक बहुत अच्छी इस ट्रैक्टर की, देखो बिल्कुल जच रहा है ट्रैक्टर, कोई दिक्कत ना।